हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी साहिबगंज से, और वो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या है, पोस्ट क्या है, वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्या है, वो जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं वो पोस्ट क्या है। पोस्ट आपका है GNM का पोस्ट है, 7 पोस्ट है आपको, +2 पास, +3 ईयर जनरल नर्सिंग होना चाहिए आपका। 14,000 रहेगा आपका सैलरी, 14,300। ANM का 79 पोस्ट है, 10th +2+ आपका ANM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सैलरी रहेगा 9,900। लैब टेक्नीशियन का आपका 3 पोस्ट है, 10th और +2+ डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में आपका होना चाहिए, 10,450 रहेगा सैलरी। और फार्मासिस्ट का 6 पोस्ट है, डिप्लोमा इन फार्मासी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और झारखंड स्टेट फार्मासी काउंसिल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, सैलरी रहेगा 10,450। एक्सरे टेक्नीशियन 3 पोस्ट है, 10,000 रहेगा सैलरी। क्वालिफिकेशन 10th +2 पास के बाद आपका डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में और एक्सरे टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट प्रोमिस ऑपरेशन ऑपरेटर कम स्टोर कीपर आपका डिप्लोमा इन फार्मासी विथ गुड नॉलेज इन कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, और 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12,000 सैलरी रहेगा। कोल्ड चेन हैंडलर आपका 12th पास विथ साइंस होना चाहिए, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 10,000 रहेगा सैलरी। ब्लॉक डाटा मैनेजर का 5 पोस्ट है, ग्रेजुएशन इन एंड डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका होना चाहिए, 8,000 रहेगा सैलरी। और ऑप्टोमेटिक असिस्टेंट के लिए आपका 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री और ट्रेन एज ऑप्टोमेटिक असिस्टेंट इन एनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज पर गाइडलाइंस ऑफ NPCB होना चाहिए, 12,000 रहेगा सैलरी। आयुष फार्मासिस्ट के आपका फार्मासिस्ट कंपाउंड और डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मासी में आपका होना चाहिए, और यूनानी कंप्यूटर डिप्लोमा इन यूनानी फार्मासी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो होना चाहिए, और आपका सैलरी रहेगा 6,000। न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए आपका मास्टर और बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस होना चाहिए, 12,375 रहेगा। कुक के लिए आपका डिप्लोमा इन कुकिंग होटल मैनेजमेंट कैटरिंग होना चाहिए, 5,500 रहेगा, 3 पोस्ट है। स्टाफ नर्स के 1 पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए, और 3 ईयर्स आपका जनरल नर्सिंग होना चाहिए, 14,300 रहेगा सैलरी। RM and CH+A काउंसिलर आपका होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट में होना चाहिए, सैलरी 8,800 रहेगा। MTS का आपका 2 पोस्ट है, ग्रेजुएट प्रोफिशिएंसी फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम एंड KST कैंडिडेट विथ डेजर क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल, ए ग्रेजुएट विथ साइंस इन क्लास एक्स्ट्रा वाला साल भी कॉन्सेंट्रेटेड, और सैलरी आपका 17,303 रहेगा। KTS 1 पोस्ट है आपका, ग्रेजुएट प्रोफिशिएंसी फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम एंड इन केस द कैंडिडेट विथ रिसर्च क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल देन ए ग्रेजुएट विथ साइंस क्लास XII शैल बी कॉन्सेंट्रेटेड, 17,303 रहेगा सैलरी। और सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए आपका बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स आपका होना चाहिए, और एक्सपीरियंस वगैरह भी आपका होना चाहिए, सैलरी रहेगा 8,140। और सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर के लिए भी आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, और डिप्लोमा मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी रहेगा 19,429। और ट्यूबरक्लोसिस के लिए हेल्थ विजिटर के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, 10th +2 में आपका MPWLHM ANM हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर का होना चाहिए, 11,983 रहेगा सैलरी। और RNT CP लैब टेक्नीशियन स्पोटम माइक्रोस्कोपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट +2 डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, सैलरी रहेगा 15,894। और आपका जो फीस है वो OBC SC ST के लिए आपका 2,000 रहेगा, और बाकी सब के लिए 200 रहेगा, और बाकी सब के लिए जनरल के लिए 400 रुपया रहेगा। और जिला स्वास्थ्य समिति साहिबगंज के खाते पर ये भुगतान किया जाएगा। और आपका जो
कार्यालय है वो विकास आयुक्त साहिबगंज और विकास भवन साहिबगंज, पिन कोड 8161 है। और आप आवेदन करने के लास्ट तिथि, अंतिम तिथि है 5/10/19 के संध्या 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी जानकारी हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।